ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के महनानपुर गांव में बीती रात हथियारों से लैस लुटेरों ने जमकर तांडव मचाया। दरअसल अपराधी घर में घुसे और नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। पीड़ित सर्विस प्रसाद ने बताया कि बीती रात उनके घर में दो बदमाश हथियारों से लैस होकर घुस गए और उनकी पत्नी और पुत्र को बंधक बना लिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें भी पिस्टल की बट से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र और पत्नी को भी जख्मी कर दिया। उनका कहना यह भी है कि इस घटना दौरान घर से नकदी और जेवरात भी लूट लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं इस संबंध में पुलिस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बता रही है। जमीनी विवाद में मारपीट की गई है, ऐसा पुलिस का मानना है। घटना है कि वो घर में एकाएक हेल करके और मेरे पत्नी को और बच्चे को जो कि दोनों को धमका के और उसे मार करके जब हल्ले हुआ तो इधर से हम आए घर की तरफ घुसे, बस हमारे तरफ जो कि वो राइफल से टिंकू सब मार बैठा और उसका बेटा है कि घर में जा करके छोटा लूट लिया। जब उसको टिंकू साहब को हम पकड़े तो उसको बेटा वो है आया पिस्टल से हमारे आँख तर मारा। उसके बाद में जब पकड़े हुए थे तो उसको जब उसको बाप छूटा था हमको सर पर मारा है कि तब जा करके उसको उसने भागा। क्या क्या से ले गया? वो है जो कि सोने का है कि चैन डेढ़ भर कर और एक ठो जो कि टीका ले गया। नकदी है जो कि 65,000 रुपया ले गया। क्या नाम है आपका? सर्वेश प्रसाद नाम है, सर्वेश प्रसाद।